मूवी का नाम है 2012। ये एक साईफाई एक्शन मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम एड्रिन को देखते हैं। ये एक जियोलॉजिस्ट है। हमें 2009 के सीन को दिखाया जाता है। एड्रिन नागरडेंग आता है जहाँ पर तांबे का खदान रहता है और ये इंडिया में रहते हैं जहाँ पर एड्रिन अपने भारतीय दोस्त एस्ट्रोफिजिस्ट सतनाम से मिलने आया होता है। वे दोनों 11,000 फीट जमीन के नीचे जाते हैं। पूरे इंडिया में यही सबसे गहरा तांबे की खान होता है। सतनाम उसे बताता है धरती के अंदर सोलर फ्लेयर के कारण तापमान बढ़ते जा रहे हैं जिससे जल्द ही आने वाले समय 2012 बहुत भयंकर विस्फोट होने वाला है। फिर एड्रिन वॉशिंगटन डीसी जाता है जहाँ पर वो चीफ ऑफ स्टाफ से मिलता है। वो उसे सारी बातें बताता है। चीफ ऑफ स्टाफ कहते हैं तुम जल्द ही प्रेसिडेंट से मिलने वाले हो। फिर हमें सन 2010 को दिखाया जाता है। यहाँ पर अलग अलग देश के प्रेसिडेंट की बैठक रहती है। वो कहते हैं आने वाले भयंकर तबाही से बचने के लिए हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। वे लोग 9 बड़े बड़े आर्क बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं जिसे तिब्बत में बनाया जा रहा होता है जो हिमालय के पास में होता है। इस 9 बड़े बड़े आर्क में 1,00,000 लोग आ सकते हैं और इस आर्क की एंट्री फीस है $1 बिलियन जिसमें सिर्फ ऊंचे लोग जा सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और उस आर्क में कीमती सामानों को डाला जा रहा होता है। अब समय आ चुका है 2012 का। हमें जैक्सन के लाइफ को दिखाया जाता है। ये साइंस फिक्शन किताबें लिखता है और अपने बिलियनर बॉस के लिए काम करता है। वो उसकी गाड़ी लेकर अपने एक्स वाइफ के पास जाता है और अपने बच्चों को घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। जैक्सन उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो खुद आया करता था। वहाँ पर रेलिंग लगा रहता है। वो उसे पार करके अंदर चले जाते हैं। जैक्सन को समझ नहीं आ रहा होता है कि कुछ महीने पहले यहाँ हरियाली था लेकिन अब पेड़ पौधे सूख गए हैं और जमीन पूरा बंजर हो गया है। वहाँ पर गर्म पानी भी निकल रहा होता है। तभी मिलिट्री के आदमी वहाँ पर आते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जैक्सन पूछता है यहाँ पर क्या हो रहे हैं। तभी एड्रिन वहाँ आता है और कहता है ये सेफ जगह नहीं है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी एक आदमी उनके पास आता है और पूछता है कि वे लोग क्या बोल रहे थे। जैक्सन बताता है ये जगह सेफ नहीं है और हमें यहाँ से जाने के लिए कहा है। वे लोग रात में जंगल के पास कैंप लगाते हैं और पिकनिक मना रहे होते हैं। जैक्सन अपना काम कर रहे होते हैं तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रहे होते हैं। जब वो आगे जाकर देखते हैं तब उसे मालूम चलते हैं ये वही आदमी होता है जो उसे आज सुबह मिला था। जैक्सन उससे पूछता है तुम रेडियो में क्या बोल रहे थे। वो बताता है एक भयंकर प्रलय आने वाला है जो 6,40,000 सालों में एक बार आता है जब सौरमंडल के सारे ग्रह एक लाइन पर होते हैं। वो उसे ये भी बताता है कि इन सब से बचने के लिए 9 बड़े बड़े आर्क बनाए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ बिलियनर लोग जा सकते हैं। जैक्सन को लग रहा होता है ये क्या फालतू के बातें कर रहे हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब जैक्सन की एक्स वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुपरमार्केट आई होती है तभी भूखा माने से वहाँ पर उसकी जमीन फट जाते हैं। उसकी वाइफ कॉल करके जल्दी उसे घर बुलाती है। जैक्सन अपने बच्चों को वापिस से घर छोड़ देते हैं और फिर उसे बॉस का कॉल आता है। वो कहते हैं जैक्सन तुम जल्द ही मेरे बच्चों को प्राइवेट जेट के पास ले जाओ। जैक्सन उसके बच्चों को लेकर प्राइवेट जेट के पास पहुँच जाते हैं। जब वो प्लेन में चढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं हमारे पास बड़े जहाज के पैसे हैं, हम तो बच जाएंगे। और उसी समय छोटा सा भूकंप भी आ जाता है। जैक्सन जल्दी एक हवाई जहाज को रेंट में ले लेते हैं। फिर अपने एक्स वाइफ के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी बच्चों को रेडी करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पूरे कैलिफोर्निया में भूकंप आने लगते हैं। वो घर भी हिल रहे होते हैं, सामान नीचे गिर रहे होते हैं। फिर जैक्सन घर पहुंच जाते हैं और सब लोग कार में बैठ जाते हैं। कैलिफोर्निया पूरे तरीके से तबाह होते जा रहे हैं, ब्रिजेस टूट रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, पूरे सड़क में अफरा तफरी मचा हुआ है। वे लोग जैसे तैसे करके प्राइवेट जेट के पास पहुंच जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इन लोग को नक्शा चाहिए ताकि ये लोग उस आर्क मशीन के पास पहुंच सके जो तिब्बत के पास है। वो उसी आदमी के पास जाते हैं जिससे जैक्सन उस रात मिला रहते हैं क्योंकि उसी के पास वो नक्शा है। वो पहाड़ों के ऊपर रेडियो में लोगों को खबर दे रहे होते हैं। जैक्सन उसके पास जाते हैं और पूछते हैं वो नक्शा कहाँ है। वो कहते हैं वो मेरे गाड़ी में है। जैक्सन उसके गाड़ी में नक्शा ढूंढने लगते हैं और उसे वो नक्शा मिल जाता है। फिर हम देखते हैं बहुत भयंकर तरीके से ज्वालामुखी फूट रहे होते हैं लेकिन जैसे तैसे करके वे सब जहाज लेकर वहां से निकल जाते हैं और लास वेगास पहुंच जाते हैं। वहां पर जैक्सन का बॉस भी रहते हैं, उनके पास एक पायलट की कमी रहती है। जैक्सन कहते हैं हमारे पास एक पायलट है यानी कि उसके एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड। फिर वे सब रशियन जहाज को लेकर तिब्बत की ओर निकल जाते हैं। फिर हमें यूनाइटेड प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो अपना अंतिम समय देश की जनता के साथ बिताना चाह रहे होते हैं। फिर हमें एड्रिन के पिताजी को भी देखते हैं जो एक क्रूज में काम कर रहे होते हैं। सुनामी आने से वो जहाज पलट जाता है जिससे वे सब मारे जाते हैं और इधर प्रेसिडेंट भी सुनामी में दबकर मारे जाते हैं। वे लोग देख रहे होते हैं कि सुनामी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, अब सारे महाद्वीप कुछ ही घंटे में पानी में दब जाएंगे। फिर हमें जैक्सन की ओर दिखाए जाते हैं। वे लोग जब सामने देखते हैं तो उन्हें पता चलता है वे लोग तिब्बत के बहुत पास आ चुके हैं यानी कि जमीनें खिसक रही हैं। प्लेन में फ्यूल इंजन खत्म हो जाता है, उन्हें जल्द ही जमीन पर लैंड करना होगा। यहाँ पास बर्फीले पहाड़ हैं इसलिए प्लेन को लैंड कर पाना मुश्किल है। सासा प्लेन में रुक जाता है और वे सब कार लेकर जमीन में नीचे चले जाते हैं। किस्मत उनका साथ तो देता है लेकिन सासा प्लेन क्रैश से मारा जाता है। वहाँ पास हेलीकॉप्टर भी
जा रहे होते हैं वो उन्हें देख लेते हैं। जैक्सन के बॉस के पास उस आर्क मशीन का एंट्री पास होता है, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ चला जाता है। जैक्सन और उसके फैमिली वालों के पास एंट्री पास नहीं रहता, इसलिए वे लोग नहीं जा सकते। जब वे लोग आगे चल रहे होते हैं तभी उन्हें एक गाड़ी दिखाई देते हैं। उस गाड़ी में वही लोग होते हैं जो उस आर्क मशीन को बनाने का काम किए होते हैं, और वे लोग भी उस आर्क मशीन की ओर जा रहे होते हैं। जैक्सन उनसे मदद मांगता है, फिर वे लोग उन्हें बिठा लेते हैं। उस आर्क मशीन में लगभग सारे लोग आ चुके होते हैं, इसलिए उसे बंद किया जा रहा होता है। जैक्सन के बॉस को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा होता है, और फिर जैक्सन लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सब दौड़ते हैं उस मशीन की ओर, आगे बढ़ते हैं। जैक्सन लोग उस मशीन के खुफिया रास्ते से अंदर जा रहे होते हैं। एड्रिन कहते हैं, हमें मानव सभ्यता को ध्यान में रखते हुए उन सबको बचाना चाहिए जिसने हमें इस भयंकर तबाही के बारे में बताया। वो आज जिंदा नहीं है, उसके बदौलत ही आज हम जिंदा हैं। हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। फिर सभी देश के प्रेसिडेंट हामी भरते हैं और गेट को ओपन किया जाता है। फिर इधर हम जैक्सन की ओर देखते हैं। दोबारा गेट को ओपन करने से कन्वेयर बेल्ट घूमने लगते हैं, जिससे जैक्सन की एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड मारा जाता है और उस मशीन में वायर फंस जाता है, जिससे वो गेट पूरी तरीके से नीचे नहीं जाता। सब लोग आर्क के अंदर जाने लगते हैं। सबके अंदर पहुंचते ही गेट को वापस बंद किया जा रहा होता है। उसका बॉस आर्क के अंदर नहीं पहुंचा रहते हैं। वो अपने बच्चों को जैसे तैसे आर्क में चढ़ा देते हैं और खुद मारे जाते हैं। उस आर्क मशीन में वायर फंसा हुआ होता है, जिसके कारण वो गेट बंद नहीं हो रहा होता है। जब कैमरे में उनको देखते हैं तो एड्रिन को पता चल जाता है कि ये लोग कौन है, और पानी के टकराव में सिर्फ एक मिनट बचा होता है। गेट को बंद किए बिना मशीन को स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए गेट को बंद करना बहुत जरूरी है। एड्रिन तुरंत उनके पास जाता है और तब तक पानी पूरे आर्क में आ चुका रहता है। पानी धीरे धीरे उस मशीन के अंदर जाने लगते हैं। अगर वे जल्दी उस मशीन को स्टार्ट नहीं किए तो आर्क हिमालय पर्वत से टकरा जाएगा। अब सिर्फ जैक्सन इस वायर को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो मशीन के पास में होते हैं और उनके पास समय भी बहुत कम होते हैं। जैक्सन पानी के अंदर जाकर जैसे तैसे उस वायर को निकाल लेते हैं। अब वे लोग हिमालय पर्वत में टकराने से बच चुके हैं। इसके बाद हमें 1 साल 1 महीना 27 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब पानी भी अपने लेवल से धीरे धीरे कम होने लगा है। अब इन्हीं लोगों को इंसानी प्रजाति को आगे बढ़ाना है। अब जैक्सन भी अपने एक्स वाइफ के साथ रहने लगा है, और ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है।